चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बड़ी खबर, शेख रशीद ने अपनी तमाम जायदादें यूनिवर्सिटियों के नाम करने का फ़ैसला किया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने अपनी तमाम जायदादें यूनिवर्सिटियों के नाम करने का फ़ैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लिहाजा मैं अपनी सारी जायदादें यूनिवर्सिटियों के नाम करता हूँ। शेख रशीद ने तकरीब से खिताब में महकमा तलीम के लिए अपनी खिदमात भी गिनवाई और कहा कि हमने 60 तलीमी अदारे बनवाए। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे के मजदूरों को सेहत कार्ड देंगे। इन्होंने कहा कि नाला लेई के हवाले से इनकी आर्मी चीफ के साथ 4 मुलाकातें हुई हैं। सवां से लेकर रावलपिंडी तक 23 किलोमीटर नाला लेई पर दो तरफा डबल लेन पुख्ता सड़क बनाई जाएगी। जब रेल पिंडी से कराची 8 घंटों में पहुँचेगी तो आइंदा इलेक्शन रेल में लड़ेंगे। जबकि इससे कबल तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार का रावलपिंडी में दूसरी खवातीन यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब ने सैटला टाउन में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को अपग्रेड करके वुमेन यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की तकरीब से भी खिताब किया। याद रहे कि उस्मान बज़दार शेख रशीद के हमराह लाहौर रेलवे स्टेशन से बजरिया ट्रेन रावलपिंडी पहुँचे थे। नाज़रीन, आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं कि शेख रशीद ने अपनी तमाम जायदादें यूनिवर्सिटियों के नाम करने का ऐलान किया है। इनका कहना है कि मैं अकेला हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं। इस खबर को लेकर मेरी राय का इजहार नीचे कमेंट में ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।